अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। हमने ये बुकरम ली है, इसकी लंबाई है 11 इंच, चौड़ाई है 9 इंच। अब हम इसको डबल करेंगे, बराबर करके। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। हमने यहाँ से चौड़ाई ली है 2.5 इंच की और ये हमारी लंबाई है 10 इंच की। और यहाँ पे हमने जो गोलाई का शेप दिया है 7 इंच पे, 1.5 इंच हमने इसको चौड़ाई में रखा है, इधर की साइड 1 इंच है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको हम यहाँ से अंदर की शाल लगाएंगे। आधा इंच बुकरम को हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हम अंदर की शाल लगाएंगे। इसको हमें इसके बीच में इस तरीके से लगाना है। अब हम एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और इसको गले को अच्छे से रखेंगे बराबर करके। इसको तो सिलाई लगाएंगे। हम पट्टी की कटिंग करेंगे बुकरम के, जैसे डिजाइन की बुकरम है गोलाई में, उसी तरीके से हमें कपड़े की भी कटिंग करनी है। अब इसके बाद हम इसको डबल करेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे कैंची का। अब इसी तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे पीछे की साइड। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। अब हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब ये बीच का कपड़ा काटेंगे। अब उसके बाद इसको हम अंदर के शर्ट दबा के सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम पहले अस्तर पे रख के सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे। अब हम एक बुकरम वाले कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे। बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है जैसा हमारा गला है। अब हम यहाँ पे कैंची की कट लगा लेंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगाई है।
अब सिलाई लगाने के बाद हम ये कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब इसके बाद हमें कपड़े जो हमारा पीच का गर्म का कपड़ा है इसको डबल करेंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम बराबर करके बीच में निशान लगाएंगे। अब ये निशान को हम यहाँ पे मिलाएंगे और इस पर हम पहले कच्ची कर लें अच्छे से, फिर बाद में सिलाई लगाएं तो ज़्यादा सफाई आएगी। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के लगाएंगे। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।